नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज जहां हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहां आज हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वहां पर हर एक चीज में बाध्यता है। अगर आपके अपने जीवन में कहीं पर भी कोई भी खुशहाली नहीं है, ध्यान से समझना, बात तुम्हारी होने वाली है। अगर तुम अभी भी स्वतंत्र भारत में होने के बावजूद भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, अगर आपको लगता है स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अंतर है, ध्यान से समझना, शब्दों का खेल है। स्वतंत्रता नहीं है आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत बंधन है, बहुत रोक टोक है, बहुत अवरोध है, आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आपको दोषारोपण किया जाता है आप पर, आप कुछ बुरा करें या नहीं करें आपका हमेशा नाम खराब किया जाता है, आपको अपयश मिलता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपका काम आसानी से नहीं होता, हर काम में रुकावट आती है, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी समस्या है, रिश्ता हर बार टूट जाता है, प्रेम चलता नहीं है, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पाता, संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ पाती और वो आवागमन निरंतरता में बना हुआ है। पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्जनरी जठरे शयनम, वो वाली विधि हमारे जीवन में अगर परंपरागत निर्वाहन कर रही है तो ऐसी अवस्था में क्या करें? आपका रिश्ता नहीं टिकता, आपके रिश्ते में गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपको बहुत बंधन में रखा जाता है, आपके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाया जाता है। वो रिश्तों की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान समझना, प्रतिबंध लगाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पार्टनर। तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, और तुमने पूरी तरह से अपने आप को वैसा ही चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी आपके जीवन में सुख नहीं, आपने वैसा ही अपने आप को बना लिया जैसे सामने वाला चाहता था, फिर भी हासिल तो कुछ नहीं हुआ, प्राप्त कुछ नहीं हुआ, प्राप्त हुआ तो क्या अपशब्द, प्राप्त हुआ तो क्या झगड़े, विवाद, फसाद, बुराइयां और नाना प्रकार के अपलक्षण जो आप पर लगाए जाते रहे। अब आप इसमें रिलेशनशिप में हो तो, आप शादीशुदा हो तो, आप वैवाहिक जीवन में हो तो, किसी नैतिक अनैतिक संबंध में हो तो, किसी भी स्तर पर जहां पर प्रेम है और जहां पर किसी भी तरह का संबंध है, वो चाहे व्यापारिक संबंध हो, सांसारिक संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, पर्सनल संबंध हो, संबंध कोई भी हो, अगर बात संबंधों की है तो लव्य एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। हम खुले मंच पर आपको हमेशा एक अवसर देते हैं, आपकी हर बात को गुप्त रखा जाता है। आप जब इस नंबर पर कॉल करते हो तो हमारे जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, जो भी हमारे असिस्टेंट्स लोग हैं, वो आपकी बात पर पूरा रिसर्च करते हैं मेरे द्वारा मिलकर के, उस रिसर्च को आपके साथ साझा किया जाता है और आपकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाता है। अब हम सीधा उपाय की तरफ चलते हैं, वो उपाय नोट कर लीजिए क्योंकि आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपाय त्वरित काम करता है, करते ही फल देता है और ये उपाय मुझे लगता है कि सबको कर लेना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं ये उपाय सबको करना चाहिए क्योंकि देखो इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो युति वो ट्रिक के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है, अनदर कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना बहुत सामान्य वर्क है, उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको किसी भी ऐसे बर्तन में तेल लेना है जो गोल ना हो, बहुत सारी ऐसी कटोरियां आती हैं आजकल, बाउल वॉल्स आ गए हैं, या तो चौकोर हो और या तो उसके कई कोने बने हो, अष्टकोण, नौकोण, दसकोण, कितने भी हो फर्क नहीं, प्योर गोल नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी वाला आकार ना हो, चौकोर हो, त्रिकोणी हो, कैसी भी हो तो सब चलेगा, उसमें लेना है और उसमें देखते हुए अब देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, उसमें देखते हुए अपनी रिंग फिंगर पूरी की पूरी डुबा के
उसमें नाम लिखना है और उसको प्रॉपर ऐसा नजर गड़ा के रखना है जैसे मानो वो उंगली जहां जहां चल रही है वो पूरी चीज आपकी आंखों से ड्रॉ हो रही है। मान लीजिए आप आचार्य जी लिख रहे हैं तो वो आप बनाते हुए आपकी आंख को ऐसे गोल घूमनी चाहिए, पूरा का पूरा 100% एकाग्रता उधर ही रखने की कोशिश करना। नाम देख करके खूब अच्छे से निहारना, उसको मस्तक से लगा के प्रणाम करना, एक मंत्र बताऊंगा सबसे लास्ट में, उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है ये कार्य करने के टाइम पर, शुरुआत से लेके अंतिम तक। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, वो हम पूरा अंतिम तक आपको लेके चल रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ बस चलते रहना। तुम सफलता तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, इसमें 0.1% का संदेह नहीं है, बस तुम्हें चलने की आवश्यकता है, निडरता की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है, विश्वास धैर्य की आवश्यकता है बस। तो अब करना यह है कि नाम लिखने के बाद उसको अच्छे से निहारना है, मस्तक से प्रणाम करना है और निकाल कर सबसे पहले अपने मस्तक पर टीका खूब बड़ा सा जैसे मैं लगाता हूँ ना, खूब बस अच्छे से पूरे पूरे सामने वाले मस्तक में खूब लेप कर लेना है। वहां से निकालने के बाद जहां से आपकी ये ठोड़ी शुरू होती वहां से लेकर के पूरी गर्दन तक खींच के ले जाना है 3 बार। अगला आपके हृदय का जो ये स्थान है, हृदय हृदय का वास्तविक स्थान होता है जहां से पेट समाप्त हो, बिल्कुल बीचों बीच नाभि से उंगली ऊपर की ओर खींचिए और जहां पेट समाप्त हो जाए और हड्डी मिल जाए, बस वो है हृदय का असली स्थान। वहां पर 3 राउंड गोल गोल लगाने हैं। फिर अगला स्थान नाभि है, नाभि के बाद दोनों घुटने हैं और घुटनों के बाद दोनों हाथों में लेकर के खूब अच्छी तरीके से 3 बार रगड़िएगा और अपने तलवों में ठीक से लगाइएगा। अब आप कर ये रहे हो कि अपने सारे के सारे उन अंगों को इस तेल से जागृत कर रहे हो रात्रि में, जिन अंगों से प्रेम बढ़ता है, प्रेम के वास्तविक या यूं कहने की ऊर्जाओं को संचित करने के जो केंद्र हैं उनको आप ये लगाकर जागृत कर रहे हो। दोनों अंगों में लगा रहे हो, राइट और लेफ्ट दोनों में, तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों को आप एक साथ कर रहे हो। राइट हैंड में भी लगा और लेफ्ट हैंड में भी लगा, राइट पैर में भी लगा और लेफ्ट पैर में भी लगा। नाभि, क्योंकि दोनों के नाभि में 2 किडनियां अलग अलग होती हैं, 2 पार्ट यहां से स्टार्ट अलग होते हैं, 2 पेट होते हैं, ये सबको पता है, राइट वाला और लेफ्ट वाला, पानी वाला अलग, खाने वाला अलग, तो 2 लोगों का सब कुछ तो तुम वैसे ही लेके चल रहे हो। तो जब तुम नाभि में लगाते हो तो वो 2 पार्ट ही है, तो आप हर चीज 2 है ये समझ के चलना, आपको बस ये सब कुछ पूरा क्रम प्रॉपर करना है। उस तेल को बचा के रखना है और सुबह नहाने के टाइम पर 7 बूंद टपका के फिर नहाना है। ये तो हो गई क्रिया, अब आपको मंत्र बताता हूं, ये पूरी की पूरी काम रात में करना, रात के बाद सो जाना, सुबह उठ करके कुछ तेल की बूंदे डाल करके नहाना, ये भूलना नहीं, ये क्रम कंटिन्यू करना और ये काम शुरू करना शनिवार के दिन, शनिवार से लेके शनिवार तक जरूर करना, उसके बाद हो सके तो कंटिन्यू कर लेना भाई, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बच्चा जी, है ना। तो अब आपको वो मंत्र बता रहा हूं जो सबसे चमत्कारी है, ध्यान समझना, ये मंत्र पहली बार तुम सुनने जा रहे हो, ये मंत्र प्रथम बार आपको सुनने को मिल रहा है जीवन में, इससे पहले इस मंत्र को आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आप बहुत धैर्य से इस मंत्र को नोट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हो और यहां तो आप मेरे से सुनी रहे हो। जो नहीं समझ में आया डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद वहां से नोट करो और बार 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 रिपीट करके मेरा सुनो और उसे मैच करो, आप भी बोलना सीख जाओगे, है ना। अब मंत्र बताता हूं, ओम शासनायै शंसनिश्चरायै नमः, ऐसा बोलना है, शासनायै शंसनिश्चरायै नमः, ऐसा बोलना है। तो शासन करने वाला है, उसका अधिपत्य है जिसके ऊपर, उन शनिश्चर को हम प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं और उनको हम जागृत करते हैं ताकि राहु केतु और शनि तीनों के तीनों ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएं। इस क्रिया को पूरी विधि विधान के साथ करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु का आदेश मान के करना, कोशिश करना कि तुम इस चीज के साथ अपने आप को इंसर्ट कर सको, इन्वॉल्व कर सको और उसके अंदर प्रवेश कर सको। खुश रहना, मस्त रहना, आनंदित रहना, खूब मुस्कुराना, पानी पीना और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। प्रेम में रहना, प्रेम देना, प्रेम लेना, प्रेम का आदान प्रदान करना, ये सर्वोच्च व्यवस्था है। डरना मत,
चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम भरे। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। वो गलियाँ तुम्हारे हृदय के अंदर हैं। मुस्कुराइए क्योंकि तुम अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम में हो। ओम नमः शिवाय। शुभ 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 शिव परम पूज्य शिव भक्त आत्मदर्शी श्री सद्गुरु नाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में एक दिवसीय गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरु शंकर रूपीड़ो श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन, एक दिवसीय गुरु पूजन, गुरु दर्शन, गुरु भजन और विशाल भंडारे का आयोजन लाजपत भवन मोती झील कानपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी गुरु भक्त, गुरु शिष्य और समस्त श्री सद्गुरुनाथ परिवार और शिव भक्त आप सभी 3 जुलाई 2023 को सुबह 11 से 6 बजे तक लाजपत भवन मोती झील कानपुर में सादर आमंत्रित हैं। संपर्क करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें।